हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी से नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद ठाकुर जी। आजकल आप बेहद सुर्खियों में हैं, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आपको लिए हुए फिर रहा है। एक बयान आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के 90% काम में मुस्लिम और यादव समाज के लोगों का काम किया, लेकिन मुझको वो वोट नहीं मिल पाया जो मुझको उम्मीद थी और इसके वजह से मैं दुखी हूँ। और जो लोग मुस्लिम समाज के यादव समाज के आएंगे मेरे पास, वो आए चाय पिए मिठाई खाए, काम के लिए नहीं बोले। हाँ, ये मैंने बोला था निश्चित रूप से। मुझे उम्मीद थी जिस तरह से मैं काम कर रहा था कि मुझे और वोट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। तो निश्चित रूप से आदमी अपने जब भावनाओं से मरमाहत होता है तो कुछ न कुछ अपनी बातें कहता है, वो मैं कही थी। लेकिन उतना कहना मैं समझता हूँ लाजमी था। आखिर जो मतदाता हैं, कोई भी मतदाता, मुस्लिम हो, यादव हो, कोई भी हो, हिंदू, किसी समाज के हो, वो जब किसी जनप्रतिनिधि को, अपने नुमाइंदे को बहुत उम्मीद लेके निर्वाचित करता है और वो जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है उनके विश्वास पे, उनको लगता है इसने कोई काम नहीं किया, ये 5 साल आया नहीं हमारे पास, तो क्या वो चुप बैठे मतदाता या बोले उस प्रतिनिधि के बारे में कि साहब हमने आपको निर्वाचित किया, आपने कोई काम नहीं किया हमारा, 5 साल दर्शन भी नहीं दिए। बोलेगा ही, बोलता ही है, स्वाभाविक है। मैं अगर फिर काम करता हूं किसी के लिए और मुझे अगर वो उसका सम्मान नहीं मिलता है, उसका मुझे ये नहीं होता है, उसका रिटर्न नहीं मिलता है, तो मेरे जुबान से निकलेगा ही। तो मैं मरमाहत था, मैंने कहा निश्चित रूप से, किसी को भी कहना चाहिए। अब तक मरमाहत है या फिर नहीं हो गया? जो बात कह दिया, जो बात गई वो बीत गई, एक बार कह देना चाहिए अपनी फीलिंग को ताकि दोबारा गलती ये लोग ना करें। सीधी बात है, अब बार बार कीजिएगा तो फिर हम भी बार बार बोलेंगे। अच्छा, तो क्या अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दाढ़ी टोपी वाले मौल हैं, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। सभी समुदाय के लोग, हमारे कुशवाहा भाई लोग हैं, मुस्लिम समुदाय लोग हैं, कानू भाई लोग हैं, वैश्य लोग हैं, हमारे यहाँ हमेशा, कभी मेरे यहाँ किसी एक जात को नहीं देखिएगा। हमारे मामा हैं, हमारे सभी लोग रहेंगे यहाँ, हमेशा रहेंगे, आगे हमेशा से रहते आए हैं, आज भी यही एक जगह है। बिहार में बहुत कम ऐसे जगह मिलेंगे आपको जहां सारे समाज के संगम और समागम आपको दिखाई देगा। लोगों ने बुरा माना इस बात को, डॉक्टर अर्जुन राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप छोड़िए, डॉक्टर अर्जुन राय की क्या बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं, छोड़िए उनकी बात छोड़िए, दूसरी कोई बात कीजिए। वैसे अगर आप बताएंगे, आपने कहा कि आपने बहुत सारे काम किए हैं, अगर हम प्रमुख एक दो काम अगर लें कि मुस्लिम समाज के लिए आपने क्या है? हमने बहुत सारे काम किए, सारे लोग जानते हैं, हमारे हाफिज अंसार बैठे हैं, कमर साकिब बैठे हैं, हमारे जावेद भाई बैठे हैं, खुशी रजा बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कारी इजाज बैठे हुए हैं, आप जान लीजिए। कनमा मदरसा है आपको परिहार में बॉर्डर पे, उनका 100 साल जश्न था, 100 साल हो गया था, वो मेरे पास आए कि साहब हमारे 10,000 मौलवी आने वाले हैं पूरे देश से, हमारे पास वो फंड नहीं है कि हम उन लोग का स्वागत कर सकें सही तरीके से, कैसे उनको रुकाएं, कैसे ठहराएं, कैसे उनका सारा इंतजाम करें। मैं जाके अकेला माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, 11 करोड़ रुपए मैंने उनको भिजवाए। अब जाके दुनिया भर के 50 शौचालय, 50 चापाकल, 10-20 ट्रांसफार्मर, 3-4 बड़े बड़े रास्ते बने और इतना शानदार उनका जश्न हुआ। मैं भी गया था शाहिद अली भाई साहब के, शाहिद अली खान साहब मरहूम हैं, उनके भाई साहब गए थे हमारे साथ, साजिद अली साहब, इतनी तारीफ उन लोगों ने सारे हम लोगों की कि साहब आप लोगों ने इतनी अच्छे काम कराए, जो बाहर से आए हुए थे तो काम कराया हम लोगों ने। इस तरह के कई एक काम है, आप जानिए जिले के मदरसा के लोग कई वर्षों से उनके मदरसा के पेमेंट्स लटके हुए थे, कई वर्षों से, करोड़ों रुपया जिले में हमने मुख्यमंत्री से बात करके वहां भिजवाया, तब जाके एक एक जगह, एक एक हर मदरसे में लाखों रुपए इन लोगों को मिले। और जहां तक मदरसा की बात है, इसी जिले की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे जगह की नहीं। और अगर वो लोग अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने दुख का इजहार करूं? ये सिर्फ दुख का इजहार था या फिर 5 साल के लिए गेट बंद था? नहीं, गेट कैसे बंद, गेट बंद रहता तो बेचारे कैसे आते अंदर? हाफिज अंसार को कोई किसी गेट में बंद कर सकता है? इनको कोई गेट रोक सकता है? अरे आगरा का बुलंद दरवाजा भी इनको नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा, सवाल ही नहीं है। अरे ये रिश्ता कल भी था, आज भी है, हमेशा से रहेगा, होता है इन लोगों को कुछ। ये लोग थोड़ी, ये सब मुझे वोट देने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने नहीं दिया मैंने उनके बारे में बात की है, कोई दिक्कत नहीं, आगे उनको समझ में तो आएगा कि हम नहीं करेंगे तो कोई तो नाराज होता है।
नहीं तो फिर वो तो ये बयान आपका इसलिए था कि सचेत करे। हाँ फिर बिल्कुल सचेत किया हमने, बिल्कुल सचेत किया है। और अब आखिर मैं हूं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार ने जिन मदरसों की मैंने बात कर रहा था उनको 4,000-5,000 मिलता था, जो उन्होंने 40,000 उनकी सैलरी कर दी है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? और तब आप सोचेंगे कि हाँ नीतीश कुमार फलना पार्टी के साथ चले गए इसलिए हम उनको नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में 8,000 कब्रिस्तानों की सरकारी पैसे से घेराबंदी करवाई और आगे जितने और भी आगे होना है, तो क्या नीतीश कुमार को आप सेक्युलर नहीं मानते? एक भी फसाद है क्या नीतीश कुमार 20 साल से 18 साल से नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, मतलब बीजेपी के साथ है, और 10 साल से नरेंद्र मोदी के साथ है, एक भी कोई तनाव बताइए? फसाद तो दूर रहा, कोई सांप्रदायिक तनाव आप बताइए, आपको याद है क्या पूरे बिहार का? और तब आप सोचते हैं कि हाँ नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलना चाहिए। तो इस सोच को बदलना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपनी ये बातें कही। आखिर क्या वजह रही कि देवेश चंद्र ठाकुर ने काम किया और वो वोट नहीं मिला? ये तो जिसने नहीं दिया उससे आप पूछिएगा। क्या लगता है इसी भैया? सीधी बात है, आप जब तक धर्म पर जात पर वोट देते रहोगे वैसे नुमाइंदे काम नहीं करेंगे, वैसे नुमाइंदे काम नहीं करेंगे। 10 साल हो गए आदरणीय हमारे सज्जन जो अर्जुन राय जी हमारे सामने आए थे, 10 साल में 10 दिन उन्होंने बिताया सीतामढ़ी में, 10 साल पहले वो सांसद थे 5 साल के लिए। अगर इस 10 साल में 10 दिन बिताया हो तो हमारे कोई भी बता दे, किसी को याद हो तो। दूसरे जिले के हैं बस, सही, उनका घर नहीं है यहाँ, लेकिन यहां से नुमाइंदगी करते हैं, यहां से चुनाव लड़ते हैं, कितना समय बिताया उन्होंने आप बताइए? बहुत सम्मानजनक मैं सवाल पूछता हूं उनसे। लेकिन अब आगे उस पार्टी से तो वो आप अंधे जैसा उनको ही वोट दे रहे हैं, न वो काम कर रहे हैं आपका। सामने मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम किया हूं दोनों समाज का। मैं यादव समाज से पूछता हूं, कन्नी ये बगही धाम का किसने काम करवाया? 20 करोड़ रुपए नीतीश जी हमारे कहने पर दिया, हमारे कहने पर 24 करोड़ रुपए बगही धाम। इतने बड़े संत, उनके उनके समाज के सबसे बड़े संत, मैं प्रणाम करता हूं उनके स्मृति को, प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाता हूं, तपस्वी नारायण दास जी कितने बड़े संत थे, और सारे हमारे माननीय उनके समाज के लोग बेचारे नहीं कोई करा सके, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया आदरणीय लालू जी के पास जाने का या नीतीश जी के पास जाने का। देवेश चंद्र ठाकुर गया, मैंने करवाया वो सारा काम, क्या हुआ? क्या उसका भी हमसे कम से कम उतना तो मुआवजा वो समाज हमको देता? तो क्यों काम कराना चाहिए? तो क्यों काम, वो समय उतना क्यों बर्बाद करना चाहिए और क्यों काम कराना चाहिए आप बताइए? तो अब सवाल ये है ना, अब याद है, अब याद तो भाई हमारे मामा अरुण जी हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए भी अब वो बातें थी या फिर 5 साल वेट वॉच? सवाल है, जो साथ हमारे हैं उनके लिए मैं काम करता ही हूँ, जो मेरे पास आते हैं उनके लिए मैं काम करता ही हूँ। अगर कोई खुद बाकी खुद ही लोग मुझे अगर अपना ऐसे और दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, तीसरे चौथे समुदाय के लोग जो नहीं दिए डर गए चुप हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है जिसने हमको नहीं दिया, बाकी ऐसा एक भी समुदाय नहीं जिसने हमको वोट नहीं दिया। कम ज्यादा वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से कि ये उस पार्टी से है जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं किया। अब कोई कहीं नाराजगी से, कोई छोटा मोटा कर नाराजगी से, वो अलग हो जाए, उसका उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं, वो होता है, हमेशा होता रहेगा, होता है। बहुत सारे लोग डर गए हैं, उनको क्या कहेंगे? क्यों डर जाए, सवाल ही नहीं। जाएंगे तो सिर्फ चाय और मिठाई मिलेगा, जिसको मिठाई मिलेगा वो डरेगा? ऐसा तो मैंने नहीं देखा है दुनिया में किसी को डरने वाला, जिसको मिठाई मिलेगा वो डरेगा। मैं इन लोगों से बात करूं, पूछूं इनसे कैसे आए हैं? जरूर पूछिए, सबसे पूछिए। आइए मैं बात करता हूं, बड़े इल्जाम सीतामढ़ी के नव निर्वाचित सांसद देवेचंद ठाकुर जी पर लगे हैं, और यहाँ पर उनके सभा में इस वक्त कई सारे मुस्लिम समाज के लोग, यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत करेंगे तेकाली जनाब, मुझे दिख रहे हैं, क्या नाम है हजरत आपका? डॉक्टर कमर साकिब। डॉक्टर कमर साकिब साहब, डर लगा आज तो सिर्फ मिठाई या चाय या फिर नहीं, मुझे मोहब्बत भी? नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं डर लगा, ना आज लगा, ना कल लगा, और ना कभी लगेगा। ये एक गार्जियन जब अपने बेटे को अच्छी तालीम देता पढ़ाता है और कभी वो गलत काम करता है तो उसको तकलीफ़ पहुंचती है, ये हमारे गार्जियन है, और इनको अगर लोगों से तकलीफ़ पहुंची इसलिए इन्होंने कहा कि अपनी बात को गुस्से में ज़रूर कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके यहाँ जो लोग आएंगे उनका काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल एक गार्जियन जब नाराज़ हो जाता है ना अपने बच्चों से तो उसको घर से बाहर नहीं निकाल देता, लेकिन उसको कहता है कि तुम यहाँ पर गलती की। यकीनन यहाँ लोगों ने गलती की, 25 वर्षों तक इन्होंने सेवा किया, सब कुछ किया, और होने के बाद उसके बावजूद इनकी अहमियत को लोगों ने नहीं समझा, तो इन्होंने अपने गुस्से में इस बात का इजहार किया।
हमारे साथ हाफिज अंसार साहब है, पूर्व जिला पार्षद हैं, लंबा चौड़ा बुलंद पर्सनालिटी है इनका, और यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुसलमानों ने कहा कि रास्ता बंद हो गया, अब ना जाएंगे वहाँ। मैं सबसे पहले तो दिवेश चंद ठाकुर जी को दिल की अमीक गहराइयों से अपने तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी और तमाम सीतामढ़ी की जनता की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शेर के साथ पेश करता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जहां तक सवाल है वोट का, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो भी सिपाही थे, हम जैसे सिपाही, जावेद सरपंच जैसे सिपाही, कमर साकिब जैसे सिपाही, या हमारे नसीबुल हक साहब जिला पार्षद, मिस्टर बाबू कारी एजाज साहब, जितने भी लोग हैं, सब ने दिल की अमीक गहराइयों से आपके लिए काम किया। और जहां तक हुआ, ऐसा नहीं है, मैं पूछना, जब कश्ती का दो धार होता है, हमारे माननीय सुरेश बाबू जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से सबसे पहले ऐलान आपके टिकट का हुआ, और हम लोगों ने बिल्कुल स्वागत किया और ये किया, लेकिन आप मानते हैं कि बाद में जब जो पहले से होता आ रहा है, उसके बाद कुछ बातें, कुछ बयानात ऐसे आए जिससे भावनाओं को ठेस लगती है और लगा, लेकिन इस बयाबान में भी, इस तूफान में भी, जो मैं दिवेश बाबू आपको बिल्कुल सदाकत के साथ ही कह रहा हूं कि जो लोग आपका झंडा लेकर खड़े रहे, जेडीयू का झंडा लेकर खड़े रहे हैं, उन्होंने बहादुरी का काम किया है और बिल्कुल गैर मुतय्यना काम नहीं किया है। जहां तक वोट का सवाल है, आपको वोट मिला लेकिन बहुत कम मिला, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, वोट कम मिला, आकांक्षा से, उम्मीद से बहुत कम मिला, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो हमारे बीच, हमने सबसे पहले कहा था कि अगर हम ज्यादा वोट देकर भेजेंगे तो हमारे दिवेश बाबू ऐसे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को, हमारी बात को उठाएंगे और सबसे मजबूती से रखेंगे। मैंने कहा था कि जैसे अंगद का पैर नहीं हिलता है, उस तरह दिवेश बाबू का पैर भी नहीं हिलेगा और हमारी समस्याओं को ये उठाएंगे। इनके दिल में कुछ जरूर एहसास हुआ कि जितनी उम्मीदें थी उससे कम कोट मिला, ये दुख था इनका, ये दर्द था इनका, लेकिन इससे पहले मुस्तकबिल में भी जो इन्होंने काम किया है, मदरसा बोर्ड की तरफ से काम किया है, इन्होंने कहा 4 साल से मदरसा बोर्ड के लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई थी, आपकी कोशिश से, काविशों से उन तमाम लोगों को तनख्वाह दी गई, एक एक लोगों को 10-10 लाख, 12-12 लाख की पेमेंट की गई, तो ये इनकी कोशिश और काविश थी। और जब भी हम लोग आए किसी भी काम के लिए इनको कहा, तो इन्होंने कभी मुंह मैला नहीं किया, और इन्होंने न कभी जात पूछी, न मजहब पूछा, और काम पूछा, क्या काम है भाई, फोन लगाया, काम हो गया। तो इसी को कहते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इससे पहले जो 2 बार हमारे माननीय राम कुमार शर्मा जी भी पार्लियामेंट के मेंबर रहे और हमारे पिंटू जी भी रहे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी, अर्जुन राय भी रहे, जितना दरबार, जितना आप काम करते हैं, और जितना मुस्लिम लोग कभी पिंटू जी के हाथ न गए हो या राम कुमार शर्मा की हजत न गए हो, जितना आप कह रहते हैं, आपसे उम्मीदें वाबस्ता है, ये ठीक है कि जरा सा कोताही हुई है, लेकिन आपने जो रास्ता दिखाया है, और मैं समझता हूँ आप जब काम करेंगे लोगों का और लगेगा, तो लोग इससे जुड़ेंगे और लोग इससे जुड़कर ही काम करेंगे, इसलिए कि आपको न मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहिए। आपका जो काम बोलता है कि न मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहिए, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता की बिल्कुल ये सबूत है, और आखिर में भी पेश करेंगे। हमारे साथ और भी आदमी है, नसीबुल हक हैं, आप सुरसन से हैं, आप उधर के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, नसीब साहब लगा कि अब नसीब खराब हो जाएगा, ठाकुर जी रूस गए, सवाल ही नहीं है, नसीब है। किसने कह दिया कि ठाकुर जी रुक जाएंगे, रुक जाएंगे और नसीब हमारा खराब हो जाएगा, सवाल ही नहीं है, नहीं है ना? तो आज पहुंचे हैं, तो आज पहुंचने में डर लगा कि सीधे पहुंच गए, सवाल ही नहीं है, मैं कमरा में था, रेखा कुमारी जी बात उद्घाटन करने पहुंची थी और सर का आदेश हुआ और वहीं से आए, थोड़ा सा मुंह हाथ धोया और सीधे घर से चल दिया। सर को वोट कहीं नहीं मिला? वोट तो मिला ही, देखिए वोट नहीं मिलने के और भी कारण है, पहला कारण जो सर बोल रहे हैं हमारे, वो बिल्कुल हक है, हम लोग भी इस बात को समझाते रहे हैं अपने लोगों को,
कि भाई ये क्या बात है, नीतीश जी अगर चले गए मान लिया जाए गठबंधन में, मोदी जी के गठबंधन में, तो मोदी जी के गठबंधन में तो सारा काम हुआ है, जितनी नौकरियां मिली है मुसलमानों को, अल्पसंख्यक माना बच्चों के लिए टीचर का बहाली अगर किया गया है तो उन्हीं के साथ किया गया है, उसके बाद आप देख लीजिए इस्लामिया हॉल का कितना बड़ा माना मरकज बना करके रख दिया मुसलमानों के लिए। आज तक अगर कहीं किसी तरह का हो हल्ला या हंगामा जो देखने को नहीं मिला है, ये उनके साथ शासन काल में हुआ है, अभी तक तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कहीं पर उस तरह से मुसलमानों को। बहुत सारे मुसलमान नाराज हैं ठाकुर जी से, इससे नाराज हैं तो कुछ गलत फहमी से नाराज है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं रात दिन कहीं ना कहीं लगा रहता हूँ जनता की सेवा में और उस एतबार से मुझे वोट नहीं मिलता है या नहीं मिले, या जिस लोगों से जिस गांव से जिस काम से मैंने ज्यादा वाबिस्ता रखा उस लोगों को और उसका काम किया और हमें वहां वोट नहीं मिला, तो स्वाभाविक बात है कि दिल पर तो मुझे भी चोट लगेगा, मैं भी दिल रखता हूं, इसमें नाजायज कहां है। ये समझने की जरूरत है या समझने का हेरा फेरी हो गया हुआ है। काम होगा अब आप जो काम लेकर आएंगे क्षेत्र के लोगों का, भाई वो कब नहीं किए हैं, कब नहीं किए कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बारी साहब, मैं हजरत हाफिज अंसार साहब की बातों से इत्तेफाक रखता हूं। हाफिज अंसार साहब जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इस बात को मानते हैं आप? जी जी, हम कहना ये चाहते हैं कि नसील भाई ने ठीक ही कहा है कि जब कोई काम करता है उसको मजदूरी नहीं मिलता है तो उसके दिल पर चोट लगता है, तो उसके जुबान से आह निकलता ही है, तो ये आह है, एक दुख है दिल में जो आ क्षणिक था या फिर क्या, ये क्षणिक था, मैं उसी वक्त समझ रहा था कि ये क्षणिक है, इसलिए कि ये वो मिजाज के आदमी है कि इनके दिल में कभी भी जातीयता का कोई साया तक नहीं पड़ा, तो आज चुनाव सांसद बन गए तब कैसे पड़ेगा। ये यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से सर को बोलना चाहिए था या सब किसी हम लोगों को भी बोलना चाहिए था पहले जी, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, थोड़ी सी आह क्या निकली देवेश चंद ठाकुर की, स्वाभाविक है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलमान भाई जो सर, अच्छा किया कि तुम तो मुसलमान हो गए, अच्छा किया कि तुम तो मुसलमान हो गए, फिर सोच लिया होता कि बुतखाने पे क्या गुजरी, आपने तो बयान दे दिया लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरी, इस पर आपने ख्याल नहीं किया सर। तो जी यहाँ बैठे हुए हैं एक साहब हैं जो शायर है, मैं आ रहा हूँ, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, खड़े हो जाइए जी, क्या कहना है ठाकुर जी के बयान पर, खड़े हो जाइए। माननीय देवेशचंद ठाकुर जी निर्वाचित सांसद हैं और हम लोगों को बहुत उम्मीद थी और उम्मीद है कि काम करेंगे, करते रहें, लेकिन यकीनन सर बहुत सारे लोगों का भला किए और करते रहे हैं, लेकिन इनके बयान से जिन लोगों को हाथ पहुंची है यकीनन अगर हम लोगों को पहुंचे तो हम लोग आकर के इनके पास बात रखें वो दूर होगी और काम हुआ है और करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो आगे जो है पब्लिक उसको देखेंगे और कहने का उनको हक है कि मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम किए हैं और करते रहेंगे, वो काम किए हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर अभी अधिकतर मुस्लिम और यादव समाज के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, आप बताएंगे। हाँ जावेद साहब, जावेद सरपंच नाम है आपका, बहुत ज्यादा आप लगे हुए थे, वो रिजल्ट नहीं आया और ठाकुर जी की नाराजगी। देखिए 20 साल से मेरा ताल्लुक और संबंध आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी से है और मैं लगातार इनके पास लोगों की समस्याओं को लेकर आता रहा, खास तौर से मुसलमानों के लिए, जब भी कोई बड़ा मामला हो छोटा मामला हो मुझसे अगर नहीं हुआ इनके दरबार में इनके पास आए, और जब भी मैंने इनसे इनके पास आए कभी इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, और बड़ा से लेके छोटा तक जितना भी काम हुआ इन्होंने एक आवाज़ में सभी मुसलमानों का काम इन्होंने किया। अभी जब वक्त था चुनाव का हम लोग माइनॉरिटी के पास गए, इनकी अच्छाई को, इनके व्यक्तित्व को, इनके चरित्र को, इनके काम करने के अंदाज को, इनके मिलने जुलने के अंदाज को, सभी चीज़ों को लोगों से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया और कहा कि वो एक अच्छे लोग हैं और एक अच्छा मौका मिला है सीतामढ़ी को प्रतिनिधित्व करने का,
आप मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप उनको अधिक से अधिक वोट दीजिए ताकि हर अच्छे बुरे में वो हम लोगों के साथ रहे हैं। वोट क्यों नहीं मिला? इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम चीजों के बाद आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी के व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर हम सब लोग खड़े थे और खड़े हैं, और वो कल भी मुसलमानों के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीत गई सो बात गई, भावना था, गुस्सा था, नाराजगी थी, उस नाराजगी में इन्होंने जो भी बात कहना था इन्होंने कह दिया। अब वो बात नेचुरली है कि अगर आदमी किसी के लिए करता है और वो आदमी उस पर सही नहीं उतरता है तो वो सच बात बोलना चाहिए, बोलने से भी आदमी को सबक मिलता है। इन्होंने गम गुस्सा में कहा, वो बोलना भी इनकी मोहब्बत थी। अब वो बातें खत्म हो गई और ये मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा उम्मीद है। हमारे साथ सीतामढ़ी से मेयर प्रतिनिधि आरिफ हुसैन है। आरिफ साहब, आप लोगों ने जेडीयू के लिए, देवचंद ठाकुर के लिए कमर कस के कमर बांधा और उनकी जीत हुई, लेकिन उनके कुछ बयान सामने आए कि जो लोग मुझको वोट नहीं किए, खास करके मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय जिनका मैंने काम किया है, 90% काम मैंने इन्हीं दो समुदाय से किया है, वो हमारे यहाँ नहीं आए, या फिर वो आए हमारे यहाँ, सॉरी वो हमारे यहाँ आए चाय पिए मिठाई खाए काम के लिए नहीं बोले, और उसके बाद पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये बयान छा गया। ये जो बयान है इसको विभाजित बोल बताया गया। कल डॉक्टर अर्जुन नायक ने पीसी किया, उन्होंने इनके खिलाफ जबरदस्त अभियान चला, जबरदस्त बातें कही, उन्होंने कहा कि ये मनवादी है, ये मुसलमानों का काम पहले भी नहीं करने वाले थे। इसको आप जल्दबाजी में दिया हुआ बयान बोल सकते हैं? दरअसल ऐसा नहीं कि मुसलमान ने वोट नहीं दिया, दिया कैसे है, जैसे हम हैं तो हमारे यहाँ हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, इससे आगे बाहर के कोई लोग नहीं दिया। आप साहब है तो इनके परिवार के लोग दिए, ये दिए, आप है तो इनके परिवार के लोग दिए। अब हर बूथ पर 50-100 बूथ तो है ही है, 50-60 वोट है, आप पूरे लोकसभा में जोड़ लीजिएगा तो 10,000 वोट पूर जाएगा। लेकिन आप जो थोक वोट कह रहे हैं, तो किसी ने, हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया था कि ये देश का चुनाव है, तो जहां तक मैं जानता हूं कि माहौल एक बन गया था, देव साहब को अच्छा खासा वोट मिल रहा था, इन्होंने मेहनत भी किया था मुसलमान के गांव में, लेकिन इनका वोट जो गड़बड़ हुआ, सीधे नहीं दिया ये नहीं बोलिए, क्यों नहीं दिया इस पे बात कीजिए। क्यों नहीं दिया? अरे क्यों नहीं दिया, जब यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम हुआ था वो उल्टा पुल्टा बोल के चले गए, इससे मुसलमान वोट गड़बड़ा गया। आप किसी को उल्टा टांगना सीधा टांगने का बात बोलिएगा तो आप समझ नहीं आता है कि लोग इसको समझते हैं, तो कोई रीजन होता है नहीं देने का। फिर भी जो लोग जानते हैं इनको, वो लोग तो मजबूती से साथ थे, आज भी है। हम लोग को आप देख लीजिए, मैं इसलिए बोला जल्दबाजी में दिया हुआ बयान है कि उसमें एक पंक्ति अगर देवेश बाबू जोड़ देते कि जो यादव या मुसलमान या जो और भी अदर लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं 12 बजे रात में खड़ा हूँ, तो फिर इतना बवाल नहीं होता। आखिर हम लोग तो है ना इनके साथ, और इसको आप यही मानिए, इसको जल्दबाजी में दिया गया बयान है। और पीड़ा थी उनके अंदर, उन्होंने इतना काम किया, लोग आते जाते, कोई गलत बात नहीं है, तो कहा गए जल्दबाजी में, ऐसी बात नहीं है। अब आए हैं तो अरे ऐसा बात नहीं है, लगा कि जाएं नहीं, क्या बात करते हैं, अरे चलिए सलमान जी क्या बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त देवेश चंद ठाकुर के यहाँ पर दर्जन भर मुसलमान और यादव समुदाय के भी कुछ लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पर मैंने जहाँ तक हो सका मैंने उनसे सवाल किया, जवाब किया, और उनसे वो तमाम बातें जाननी चाहिए जिस संबंध में उनके बारे में बयान वायरल हुआ है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय को टारगेट किया है। उन्होंने उन तमाम बातों को अपने गुस्सा या फिर कह ले कि दुख की वेदना बताई, और उन्होंने कहा कि फिर से अब हम सही हो गए हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तमाम बातों को दूसरी तरीके से उन्होंने वापस लिया। उन्होंने कहा कि तमाम धर्म के लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़, कैमरे के पीछे प्रवीण, अरशद दिलसाद, विनय सिंह राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय, आप कमेंट में दर्ज करिए। धन्यवाद।